हल्का सा नीचे होगा, बहादुर होगा। अब बहुत लोगों का स्क्वाट करने का आदत है ऐसे, वो उसपे क्या होता है सिर्फ अपर थाई में लगता है हमारा, पर वेटलिफ्टिंग में इसका कोई यूज नहीं है। वेटलिफ्टिंग में हमें क्या चाहिए, बैलेंस। और उसके लिए हमारा जो पैर है ना वो शोल्डर विथ से थोड़ा सा हल्का सा अंदर, अभी शोल्डर विथ के बराबर भी रह सकता है, बैलेंस के ऊपर बात है। और उसके बाद आपका जो ये है क्या बोलते हैं, टो बाहर की तरफ, जिससे क्या होगा अब मैं बैठूंगा तो मेरा नी बाहर की तरफ जाएगा और इसमें मैं कंफर्टेबली बैठ सकता हूँ, पूरा दिन भर बैठ सकता हूँ। ठीक है, जबरदस्ती पीछे नहीं लगे, 7 8 9 10 11 12 इधर ध्यान दो नहीं तो मैं बहुत पीटता हूँ। 3rd 12 हो गया, चलो गो फॉर बैक प्रेस। 3 1 2 3 तू चेंज कर ले इसके साथ, इनके साथ आदर्श लोग के साथ आजा, तू बाहर वहीं रख दे, बाहर वहीं रख दे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 This is because what we call snatch. Big clean and jerk, right? देख लिया था दादा, अब इसी को हमें डिवाइड करके बाय पार्ट में छोटे छोटे हिस्सों में बांट के हमें सीखना है। ठीक है, और पूरा सेमेस्टर तुम्हें इसी चीज पे मास्टर्स होना है। ठीक है, हमेशा ग्रिप सबसे पहले क्या आता है, उसको पकड़ना सीखना पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या यूज होता है, ग्रिप। तो ग्रिप हम क्या करते हैं, रूप ग्रिप, देख लो अंगूठा उंगलियों के अंदर है ऐसे बाहर नहीं, इससे क्या होता है बार कभी फिसलता नहीं है, नीचे नहीं आता, क्योंकि हमें बहुत वेट को बहुत स्पीड में खींचना पड़ता है। यहाँ पे सारा गेम स्पीड और इसका है, स्ट्रेंथ का ही है। ठीक है, वेट के सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, स्पीड, और उससे हल्का सा बड़ा या उसके बराबर। और तो हमेशा बाहर की तरफ, क्योंकि उसमें क्या होता है हम बैठते हैं, मेंढक कैसे बैठता है देखा, वो कितना दूर दूर छलांग लगाता है, उसके सारा ताकत कहाँ पे होता है, पैरों में। और इंसान हवा और इंसान के शरीर में भी सारा ताकत कहाँ पे होना चाहिए, पैरों में, क्योंकि बिल्डिंग जो होता है उसका मेन वो क्या होता है, नींव होती है ना, तो नींव हमेशा क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, भले पतला हो दुबला कुछ भी हो, पर ताकत उसके अंदर बहुत होना चाहिए। ठीक है, हमारे शरीर में अगर हमारा बैक स्ट्रांग है और हमारा लेग स्ट्रांग है तो हम बहुत कामों को बहुत आसानी से कर सकते हैं, हमारी इंजुरी से भी हम बहुत दूर रह सकते हैं। ठीक है, तो हम इस क्लास में यही स्ट्रांग कराएंगे पूरे 3 महीने 4 महीने। तो उसके बाद तुम्हें पैर अंदर रखा, पैर अंदर रखते ही अब क्या करना है, बार को ग्रिप करना है। ग्रिप में क्या है, ये देख रहे हो तुम, ये जो पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे हम ग्रिप करते हैं उसको नर्लिन बोलते हैं, और जो ये साफ एरिया है वो प्लेन बार है। ठीक है, ये भी नर्लिन है, ये भी नर्लिन है, और ये है हमारा ग्रिप के लिए दिया हुआ है। ठीक है, ग्रिप के अंदाजा के लिए, मतलब जस्ट फॉर द नोइंग। उसके बाद वुमेन बार में नहीं हुआ, हमने ग्रिप कर लिया। ठीक है, अब कहाँ पकड़ना है ये हमें कैसे पता चलेगा, देखो एक तुमने देखा होगा कि मैंने यहाँ से बार को क्या है झटका दिया हल्का सा, उससे क्या होता है बार बहुत जल्दी हमारे ऊपर आ रहा है ना, पास होता है उससे मूवमेंट, और इससे इन हमारे बार को जो है कहीं और इधर उधर भागे ना, उसके लिए हम क्या करते हैं अपनी तरफ इसको खींच लेते हैं। ठीक है, वी पुल टुवर्ड्स अस, क्योंकि हम झटका लगाएंगे तो बार क्या हो जाएगा।